सो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है कृष्णा, आप लोग देख रहे हैं न्यू गेमर्स। तो फिर आज हम लोग खेल रहे हैं फिर से जेंशन इंपैक्ट। आप लोग को तो पता ही है कि मैं 40 रैंक पर पहुंचने वाला हूं, तो चलो रैंक 40 क्लियर करते हैं। जो जेंशन इंपैक्ट खेलते हैं उन्हें पता होगा कि रैंक 40 एक महीने के अंदर पहुंचना इम्पॉसिबल है। मजाक कर रहा था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ईजी है अगर तुम फ्री टू प्ले हो तो। तो अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मुझे कितनी एक्सपी चाहिए रैंक 40 के लिए। आप लोग देख सकते हैं 7860 आउट ऑफ 8625, तो हम लोग को चाहिए लगभग 1000 एक्सपी। एंड हमें पर कमीशन मिलता है 250 एक्सपी, मतलब 4 कमीशन करने से हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं, अगर इजी कमीशन्स हुए तो मैं कर लूँगा, नहीं तो फिर भाई मेरे को ग्राइंड करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये जेंशन अपने हिसाब से मेरे को मिशन देता है। तो या थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, कभी कभी टेंशन आ जाता है भाई कैसे करूँ मिशन इसलिए बोर, मतलब कोई कोई बोरिंग मिशन मिलते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। फाइटिंग सीन होता है तो मज़ा आता है। तो चलो इससे 5-6 घंटा बात करते हैं, फिर पता चलेगा कि हमें मिशन क्या है। तो ये बोल रही है कि किसको तो ढूंढ के आने का एंड या वो बचाने का है उसको, मतलब 3-4 गुंडों ने उसको घेर लिया है। तो चलो हम लोग उड़ा के आते हैं फिर। भाई उड़ाने की बात तो दूर, मैं खुद ही फिसल गया। सो ये एरिया के पीछे होगा वो। अरे भाई साहब क्या रिंग बनाई रे इसने, एक्चुअली इसका सिग्नेचर वेपन होता ना इसके साथ, यार बहुत मस्त लगती है। बट ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मतलब सेविंग्स करेंगे इसके सिग्नेचर वेपन के लिए नेक्स्ट टाइम अगर आया तो। ओके तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एंड ऑफकोर्स नीचे देखो 3 गुंडे खड़े हैं, उन तीनों को लगाने का है फट का। ओके भाई क्या गाने गा रहा हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितनी खतरनाक तरीके से मारती है लोगों को, चुन चुन के मारती है। एंड या एरकेलिनो वर्सेस एरकेलिनो भी किया है मैंने आगे सीन। अबे यार ये क्या है, कोटक आ गया, डीएनडी लगाना भूल गया मैं, लॉल। ओके तो हमने डीएनडी पे लगा दिया है। एंड यहाँ पर इतने सारे बंदे कैसे आ गए भाई, 3 थे वो भाई। यो व्हाट्सअप गाइज, भाई साहब सबको डैमेज हो गया एंड थोड़ा हीलिंग भी हो गया हमारा। इसका ना जो अल्टी है वो मतलब इसको मैं बाद में समझाऊंगा। वैसे आप लोग ने वीडियोस वगैरह तो देखी ही होंगी इसके अल्टी वगैरह के लिए, मतलब अगर आप लोग जेंशन इंपैक्ट की वीडियो देख रहे हो तो ऑफकोर्स। अरे यहाँ बातों बातों में भूल गया कि अंकल जी से भी बात करनी है ताकि हम लोग को मिशन का प्राइज मिले। भाई ये दोनों चने बेचने गए थे क्या। ओके तो हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, चलो हम लोग जाके क्लेम कर लेते हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग को 250 एक्सपी मिल जाएगी शायद से, देखते हैं यार। पहले मैं भूल चुका हूँ शायद से, मेरे को याद नहीं है कितना एक्सपी मिलता है, शायद से 250 एक्सपी मिलता है। लेट्स सी, आंटी जी हमारा काम हो चुका है। एंड ये दोनों चने बेचने वाले भी रुके हैं यहाँ पर, क्या बोलूँ मैं इनको यार, तुम लोग ही मार देते यार, फोकड़ में मेरे को मिल जाता ना। तो मिशन हो चुका है कंप्लीट एंड लेट सी, 10 पेंजमिन्स मिले एंड कितना एक्सपी हुआ हमारा। ओके तो कुछ 250, देखा 250 ही बढ़ा था, मैंने बोला ना 250 ही बढ़ता है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ जब वर्ल्ड अपग्रेड होगा तो फिर ये भी थोड़ा मतलब पावरफुल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा लपेट लेते हैं एंड थोड़ा सा मिल जाएगा तो अच्छा है। बट रैंक 60 के फ्रेंड्स हैं मेरे पास, तो उन लोग से मैं हेल्प ले सकता हूँ। एंड उन लोग का तो लेवल 90 है भाई, एकदम पावरफुल, क्या बोलूँ उनका मैं। एक्चुअली उनसे मैंने वीडियो में हेल्प ली है लेकिन थोड़ा आगे दिखाऊंगा, एक ही जना है वो लड़की है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है भाई, मेरे को सिर्फ रैंक से मतलब है ठीक है। और वो लड़की नहीं है, 12 साल की बच्ची है। सॉरी भाई मेरे को ये नहीं समझ में आया कि 12 साल की बच्ची ने 60 रैंक कर लिया और मैं अभी तक 40 भी नहीं कर पाया यार, लॉल। ओके तो ये जाग चुका है, इसको मारते हैं पटाख से एकदम। तो ये हमारा पानी का धार एंड उसके बाद अबे गेम कैसे अटकने लग गई ओ भाई, अबे बच भाई 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 भाई। ओके अच्छा हुआ ये ना ऐसे टेलीपोर्ट कर सकती है ना, फिर मजा आता है ऐसे। ओ भाई भाई भाई, ओ तेरी भैंस की भाई क्या, हेलो। ओके तो इसका मैक्स हो चुका है, चलो ले लेते हैं आर्कलिन से। हाँ ये आप लोग देख सकते हो एकदम मैक्स हो चुका है एंड फिर इसके बाद डैमेज ज़्यादा होता है। तो या शायद से मैं इसको मार पाऊंगा, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं। तो गाइस मुझे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना था, लिटरली मेरे को 7:30 से 8 मिनट हो गए मैं इसको अभी तक मार ही रहा हूँ। तो या मैंने क्लिप कट कर दिया, सो फाइनली मर चुका है ये। एंड लेट्स सी हमें कितना मिलता है एक्सपी, शायद से 200-300 मिलता है, आई डोंट नो, इससे 200-300 एक्सपी मिल जाना चाहिए। हाँ तो 200 एक्सपी मिला है हमें। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक वो मिशन कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ तो ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, लिटरली भूल गया भाई, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कमीशन, हाँ कमीशन। ओके तो आते ही कमीशन स्टार्ट हो चुका है, मजाक कर रहा था। चलो आगे एंड हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो या तो लेट्स गो, अभी ये चिंदी लोग को मारने का है, ऑफकोर्स फायर वर्सेस फायर न्यूट्रल होगा तो मैं के से मारूंगा इसको। या तो अबे फट जान जाए, फट गया साला, लॉल क्या बोल दिया मैंने। ओके तो अभी इसको हम लोग देंगे अटैक। ओ भाई एयर के लिए ना कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर नहीं हो गई है, लगता है इसको 80 लेवल के बंदों से भिड़ाना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो ये भिड़े पाएगी। यो
गोल घूम के जा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। चलो गोल घूम के चल के देखते हैं। रिंगा रिंगा रो जिस, एक सेकंड में गोल घूमा ही क्यों। ओके तो हम लोग को सीधा जाना है एंड मेरे पास टाइम बहुत कम है लिटरली। चलो फटाक से चलते हैं भाई। ओ भाई 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 इलेक्ट्रो ये ले लेते हैं, इससे शायद से हमारी हेल्प हो जाए जल्दी से। ओ भाई ओके एनिमीज एनिमीज वेयर इज एनिमी। ओके तो इसको मार देता हूँ मैं। ओ भाई ओ भाई लिटरली भाई फेल हो जाता। ओके तो हम लोग फिर से चलते हैं। आ भाई नीचे गिर गया। एक सेकंड मेरे को फिर से कोई इलेक्ट्रो मिल जाए। हाँ फाइनली भाई, अच्छा हुआ ये जगह जगह पे है, नहीं तो फिर मेरी वाट लग जाती अभी। ओके तो ऊपर चलते आगे एकदम, इससे हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं यार, बहुत अच्छी बात है। फिर से 9 सेकंड भाई, मारना पड़ेगा इन लोग को मुझे। ओ भाई फाइनली भाड़ में जा तू भाई फायर। ठीक है मार दिया मैंने इसको, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। यो 5 सेकंड्स और मिल चुके हैं, जल्दी चलो भाई। मुझे बर्फ़ वाले को नहीं मारना है। एक को मार दिया मैंने लॉल। ओके तो 250 XP और मिल चुकी है, अब हमें शायद से चाहिए कुछ 50-60 XP। तो चलो हम लोग थोड़ा कुछ और करते हैं। कुछ और से मेरा मतलब था कि हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। 50 XP इधर से मिल जाएगी एंड लेट्स गो। 50 XP कैसे मिलेगी मैं आप लोग को बताता हूँ। आगे जो वो टावर दिख रहा है वो मैंने अनलॉक नहीं किया है, तो अगर मैं उसको अनलॉक कर लूँगा तो मुझे 50 XP मिलेगी एंड फिर शायद से मुझे 10-15। ओ भाई इन लोग को पहले मार देता हूँ। यो व्हाट्स अप गाइस। ओके कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करता हूँ मैं तो। या भाई साहब भाई अच्छा डैमेज देती है यार एरकलिनो, 7-8 हज़ार डैमेज। वैसे ये फुल होती है ना तो 14-15 हज़ार भी दे देती है डैमेज, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मुझे चाहिए कि ये मैक्स हो जाए एंड मैक्स करने के लिए मुझे इसको मैक्स करना पड़ेगा, यानी कि 80 लेवल भी लेके जाना पड़ेगा तभी मैं इसको मार पाऊँगा, नहीं तो मारना मुश्किल है। एंड आई थिंक ना मैंने जिस हिसाब से देखा है तो मुझे कम से कम 4 कैरेक्टर 80 लेवल पर चाहिए, तब जाके मैं एरकलिनो का वो जो लेवल है भाई मैं फिर से बोलूँगा DND पे डालना। ओके तो हम DND पे डाल देते हैं, ये फोकस ये DND एंड या तो हम लोग अभी नीचे कूदते हैं। मैं कुछ बात कर रहा था शायद से। हाँ तो एरकलिनो का जो वो है टैलेंट बोलते हैं उसको एक्चुअली, तो वो जो टैलेंट है वो 6 लेवल पे, उसके बाद वाला जो है वो हम लोग को एक्चुअली। ओ भाई ये बॉस है ना शायद से, देखते हैं इन्वेस्टिगेट। अच्छा ये कुछ ऐसे ही रखा है, ठीक है जाने दो। हाँ तो वो जो टैलेंट है उसको बढ़ाने के लिए एरकलिनो को एरकलिनो से जिताना पड़ेगा एंड वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ वीडियो के आगे। तो गाइस अगर ये बॉक्स मैं खोलूँगा जो यहाँ पर है, शायद से मुझे फिर 5-10 या 10-15 XP कुछ ऐसे मिलेगा। चलो इन लोग को मार के देखते हैं, फिर ही पता चलेगा मुझे। आई डोंट नो ये कौन सा बॉक्स है, अगर कॉमन हुआ तो शायद से XP नहीं मिलती है, बट चलो इनको मार के देखते हैं फिर ही पता चलेगा। तो या हम लोग इसको मार रहे हैं भाई। इलेक्ट्रिक वाले ना बहुत परेशान करते हैं, ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है बट इलेक्ट्रिक वाले बहुत परेशान करते हैं। ओके तो ये अनलॉक हो चुका है एंड ये साइड के इनके जो ये कॉइन्स वगैरह हैं ये कलेक्ट कर लेते हैं, कॉज ये किया के लिए बहुत काम आएंगे। किया मतलब ये जो आइस वाला कैरेक्टर है, एक्चुअली मुझे किया मेन करना था बट जब एरकलिनो मिली तो फिर मैं एरकलिनो की तरफ शिफ्ट हो गया। थ्रस्टी गाय सॉरी। ओके तो ये कॉमन चेस्ट है, आई डोंट थिंक सो कि हमें कुछ XP मिलेगी। ओके 10 XP मिली है, हमें चाहिए अभी सिर्फ 5 XP रैंक अप करने के लिए। तो आई थिंक हमें कुछ कहीं और जाके करनी चाहिए या फिर हम लोग कुछ कमीशन वगैरह कर लें। तो लेट मी थिंक गाइस, लेट्स गो फर्स्ट देयर एंड लेट्स। भाई ये माइक पे कौन गा रहा है पता नहीं। तो गाइस वो आंटी राम जी के लिए गाना गा रही है एंड जोर जोर से माइक पे गा रही है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली मैं यार भक्ति करनी है तो फिर अंदर से करो ना यार, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो हम लोग अपना मिशन कम्प्लीट करते हैं। तो गाइस मुझे एक आइडिया है, एरकलिनो के वेपन के लिए हमें एक बड़े से मॉन्स्टर को मारना पड़ता है जो रोबोटिक टाइप का होता है एंड आई थिंक जहाँ पर ये आएगा मुझे लगता है कि हाँ तो परफेक्ट, यहाँ पर एक चेस्ट भी है एंड एक हमने ये भी ओपन नहीं किया है, तो ये दोनों काम हो जाएंगे हमारे, मतलब तीनों ही काम हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पर पहले चलते हैं एंड फिर उसके बाद उस रोबोट को मारते हैं एंड या तो पहले चलो यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। आई थिंक वहाँ पर ना एक बड़ा सा वो भी है, क्या बोलते हैं मॉन्स्टर टाइप, उसको भी मारना पड़ेगा हमें भाई साहब, इससे बचना पड़ेगा मुझे लल। ठीक है तो या हाँ ये रहा वो मॉन्स्टर, ये बार बार आ जाता है पता नहीं कैसे, इसके पास जादू टोनी की ताकत है लगता है। मजाक कर रहा था। ओके तो ओ भाई वैसे चौंकता मस्त है यार,
ऐसा कोई करेक्टर होना चाहिए था ना, ऐसे येलो कलर का एकदम चमकने वाला, मज़ा आ जाता भाई। क्या, व्हाट आर यू, इतनी जल्दी मर गए? ओके, बट जो अभी नेक्स्ट रैंक आने वाला है, उस रैंक के वर्ल्ड के हिसाब से मैं लिटरली बहुत वीक हूँ, मैंने देखा एक्चुअली, तो या मुझे पता है। बट ये जो रैंक का वर्ल्ड है ये बहुत ईजी है मेरे लिए, बट नेक्स्ट रैंक हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ग्राइंड कर लेता हूँ ये सब चीज़ें ताकि हमारे काम आ सके। एंड या तो अभी ऑलमोस्ट मर ही गया ये भाई साहब। भाई लिटरली कितने कम हिट में मर गया ये एरकलिनो से। एंड एरकलिनो जब तक मैक्स नहीं होगी ना, मतलब उसके टैलेंट्स मैक्स नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मैं ये वर्ल्ड को सर्वाइव कर पाऊँगा नेक्स्ट रैंक के बाद, मतलब जो थोड़े बहुत एक्सपी बची है। तो या हम लोग को बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा। एंड मेरा जो फ्रेंड है 60 रैंक के बच्चा बच्ची जो भी बोल लो, उसकी हेल्प से हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत काम। एंड या तो ओके, हम लोग ने 40 रैंक कर लिया है अभी। एंड अभी मैं डायरेक्ट उसके साथ आता हूँ। तो गाइज ये है वो, इसको मैं मैसेज करता हूँ एंड अभी शायद से आ जाएगी क्योंकि ऑनलाइन है, तो फिर इसकी हेल्प लेंगे हम लोग। ये एक्चुअली बहुत अच्छी है, मतलब ये दूसरों की हेल्प करती है, दूसरे लोग कैसे थोड़े एटीट्यूड वाले हैं, तो इसलिए मैं इसकी हेल्प लेता हूँ हमेशा। एंड इसने मेरी बहुत हेल्प की है लेवल अप करने में वगैरह, तो या इसलिए मैं इसकी हेल्प लेता हूँ। तो अभी हम लोग पहले कैरेक्टर स्विच कर लेते हैं, मेरे गलत कैरेक्टर्स आ गए हैं लॉल। तो या फिर उसके बाद इसको बताते हैं कि हमें क्या हेल्प चाहिए वगैरह वगैरह। एंड आप लोग देख सकते हैं ये दोनों का गलत कैरेक्टर आ चुके हैं, एरकलिनो एंड किया चाहिए मुझे, मेरी मेल्ट टीम है। तो या अभी मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे क्या हेल्प चाहिए। कैन यू हेल्प मी टू अपग्रेड एरकलिनो? ओके, तो मैंने इसको लिखा है, अभी ये देखो क्या बोलती है। एंड फिर उसके बाद हम लोग अपग्रेड करेंगे एरकलिनो को। तो गाइस वो जब तक बात कर रहे, ओके तो फिर मैं आप लोग को बताना भूल गया। बैनर में मेरे पास थे अच्छे खासे प्रिमोजियम्स। एंड या उसने हाँ बोल दिया शायद से, या फिर नहीं बोला है, पता नहीं, लेट्स सी। मैंने मैसेज नहीं दिखा, मैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो गया। ओके तो प्लीज हियर, क्या लिखूँ? ओके आ गए, चलो ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं। एंड चल भाई, क्या हो गया? ओके तो ऑनलाइन वाइट, आई एम रिकॉर्डिंग। थोड़ा मस्ती करते हैं। से हाय, पता नहीं हाय बोलेगी कि नहीं, लॉल। चलो देखते हैं हाय बोलती कि नहीं। ओके, इसने मैसेज किया, हाय यो, जूस पीते हुए, ही चलो मस्ती बहुत हो गई, थैंक यू लिख देता हूँ पहले ही क्योंकि मुझे पता ही हेल्प करेगी। ओ भाई, अरे यार, मतलब क्या बोलूँ। तो गाइस स्ट्रेट 24 मिनट का मैंने वो ग्राइंड हटा दिया है, मतलब 24 मिनट्स का वो उसके वजह से हुआ, नहीं तो फिर वो 24 आवर का भी हो सकता था। तो या अभी आप लोग को दिखा देता हूँ कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो पहले हम लोग को ये चाहिए जितने हो सके पहले, हाँ तो बना लेते हैं। तो गाइस वो बोल रही है कि बॉस को एक और बार मारते हैं, तो मैंने बोला ठीक है यार, आई कैन स्टैंड नाउ, उसको मैंने लिख दिया है। एंड हम लोग उसको बोल दिए, मैंने मतलब बोल दिया उसको कि मैं सेंड कर सकता हूँ, बट ठीक है उसको फिर भी बॉस को मारना है, तो ठीक है तो हम लोग मार लेते हैं, बिकॉज वो मेरी हेल्प करती है तो फिर मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो चलो, उसने बॉस को जगा दिया है, हम लोग फिर बॉस को मार लेते हैं। ओ भाई, इसकी HP यार इतनी ज़्यादा कैसे है भाई, कौन से मिट्टी का बना हुआ है तू, भैंस की लकड़ी। तो गाइस आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर यूज़ कर रही है जो शील्ड भी दे देता है, एंड उसके बाद मतलब ये सामने वाले को बेहोश भी कर दे रहा है भाई। तो कितनी ज़्यादा HP जा रही है उसकी, आप लोग देख सकते हो भाई। ये कैरेक्टर का नाम क्या है मैं पूछूंगा उससे, एंड आप लोग को बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं इस चीज़ को। एंड भाई ऐसा लगा कि मैंने डैमेज दिया बट उसने डैमेज दिया। तो चलो, हमें एक बड़ा स्टोन भी मिल चुका है। एक्चुअली मुझे एक बड़ा स्टोन चाहिए था, तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्ड कर लूँगा, बट उसने मेरे को दिला दिया। तो चलो असेंड करते हैं। एंड या मैं देख रहा था कि भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं। ओके, तो हम लोग ने असेंड कर दिया है, एंड दो लेवल ही बड़ा भाई। तो उसके साथ थोड़ा और ग्राइंड करते हैं, फिर इसको 80 लेवल पे लेके जाते हैं। एंड या तो हम लोग ये क्लेम कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। तो गाइज ये है वो कैरेक्टर, इसका नाम बता देना मुझे, मतलब ये भाई इतना पावरफुल है भाई, क्या बताऊँ मैं। एंड मेल्ट टीम के हिसाब से मुझे काया को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड इसके असेंड करने के लिए भी मटेरियल चाहिए मुझे। तो या मुझे
एक्चुअली मैं ग्राइंड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। पहले मेन जगह पर चल के देखते हैं एंड देखते हैं कि मेरे पास कितने गोल्ड कॉइन्स बना सकता हूं मैं, एंड फिर उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। भाई मैं कितना बड़ा गोचू हूं, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैंने माइक रख पे हाथ रख दिया है, लॉल। तो आप लोग को थोड़ा बीच में आवाज़ कम आ रहा होगा, बट या लेट्स सी, हम लोग अभी देखते हैं कि यो हाँ, तो ये सिल्वर कॉइन्स है एंड गोल्ड कॉइन्स है, और कुछ नहीं बना सकते हम लोग। तो पहले हम लोग एंड आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स हैं, तो पहले हम लोग सर्वर बना लेते हैं एंड फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें गोल्ड कितने मिल रहे हैं। तो ओ भाई 12 चाहिए एंड मेरे को 13 मिल गए, तो ठीक है हमें सिर्फ फ्लावर ही चाहिए, फिर उसके बाद वो भी असेंड हो जाएगा। एंड या हम लोग थोड़ी बुक्स ग्राइंड कर लेते हैं ताकि हम लोग उसको भी 80 लेवल पे लेके जा सके, एंड फिर उसके बाद हम लोग को वेपन्स अपग्रेड करने हैं ताकि हमारी मेल्ट टीम पूरी परफेक्ट हो सके। तो गाइस मुझे हैया ने बताया कि क्या करना है हमें, तो पहले हमें वो कैंडल जो चाहिए जो एर्कलिनो के टैलेंट को अपग्रेड करती है, मैं उसको वही कह रहा था कि हम लोग आई कैन डू ट्रांस यही, तो वो बोल रही थी कि पहले तुझे मिशन करना होगा फिर तू ट्रांस कर सकता है, बट मैं कर सकता हूँ। इट्स शोइंग आई कैंट डू इन कोपो, मतलब कोपो मतलब मल्टीप्लेयर में नहीं कर सकते हम लोग, बट सोलो में कर सकते हैं। एंड या तो ये सैड न्यूज़ है, तो इसके लिए हमें अकेला ही ग्राइंड करना पड़ेगा, किसकी हेल्प नहीं ले सकते हम लोग। तो आज होगा एर्कलिनो वर्सेस एर्कलिनो, लेट्स सी क्या होता है भाई। उसको मतलब ख़त्म तो कर सकते, ओ भाई इसका सिग्नेचर वेपन भी है इसके पास, लॉल मुझे नहीं लगता मैं इसको हरा पाऊँगा, बट लेट्स ट्राई, हम लोग पूरा 100% देंगे हमारा। एंड ओ भाई साहब क्या एचपी खा सकती है, मेरे को दिख रहा है इधर से ही एर्कलिनो है इसलिए मैं बच गया, नहीं तो फिर ये बहुत गंदा एचपी खाती। यो बहुत खतरनाक है एर्कलिनो वर्सेस एर्कलिनो हो रहा है इधर गाइस। ओ भाई ये यो फोकस करने दो थोड़ा गाइस, मेरे को डर लग रहा है मैं हार नहीं जाऊं। एचपी तो जा रही है, मुझे लग रहा है कि हम लोग जीत सकते हैं, बट लेट्स सी। एक ही 75 लेवल की है ये, एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स मेरे पास एकदम सस्ते सस्ते हैं, मतलब 70 भी नहीं है, मुश्किल से हैं 50-60 हैं, सिर्फ एक किया 70 है और ये 75 है। इन दोनों को ही मैंने मेन फोकस किया है, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है मैं मानता हूँ। दूसरे को भी ग्राइंड करना पड़ेगा मुझे, बट लेट्स सी हम लोग क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा कट कर देता हूँ। तो गाइस मैं 10-15 मिनट से ग्राइंड कर रहा हूँ, मतलब इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मर ही नहीं रही है लिटरली। अभी मेरा एक ही करेक्टर बचा है, मैं किसको जिंदा भी नहीं कर सकता हूँ। सो या अभी हम लोग मतलब ऑलमोस्ट मर ही गए हैं, तो ख़त्म। भाई साहब ये बहुत पावरफुल है, मुझे लिटरली पूरी टीम 80 लेवल की चाहिए, तब जाके कुछ हो पाएगा गाइस। तो गाइस मैंने उसको बता दिया है, एंड थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी है, तो 76 लेवल पे हो गए हम लोग, एंड कॉइन्स वगैरह भी बहुत सारे चाहिए भाई, मतलब ख़तरनाक। वेपन को थोड़ा हम लोग अपग्रेड करने के लिए ग्राइंड कर लेंगे, एंड या तो अभी हम लोग चलते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी आप लोग को और ज़्यादा बोर नहीं करना है।